नशा तस्करों ने इन दिनों नशे की तस्करी के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने ट्रेन के शौचालय से 23 किलो गांजा बरामद किया। बता दें कि बीते वर्ष दर्ज हुए नशा तस्करी के एक मामले में पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में जुटी जीआरपी की पूछताछ आगे बढ़ी तो जीआरपी के हाथ नशा तस्कर के भाई तक जा पहुंचे, जिसके बाद जीआरपी ने तस्कर से मिली जानकारी के बाद पंजाब से यूपी जाने वाली ट्रेन में चेकिंग की तो जीआरपी को ट्रेन के शौचालय से 23 किलो गांजा बरामद हुआ। जीआरपी के एसएचओ विलायती राम ने बताया कि अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल जीआरपी ने ट्रेनों के जरिए नशा तस्करी करने वाले गिरोह के एक और सदस्य को नशे के साथ पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें कि वर्ष 2020 में लगभग 20 किलो नशे के साथ पकड़े गए एक आरोपी से जीआरपी ने पूछताछ की तो उसने बताया कि वो अपने भाई के साथ मिलकर ट्रेन के बाथरूम में नशा छुपाकर एक से दूसरे राज्य में सप्लाई करता है। तस्कर से मिली जानकारी के बाद जीआरपी ने तस्कर के भाई को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू की तो पहले तो नशा तस्कर का भाई रेलवे स्टेशन में ही छुप गया, लेकिन जीआरपी के चेकिंग अभियान ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद जीआरपी ने पकड़े गए आरोपी से पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि वो आज भी यूपी से पंजाब नशे की खेप लेकर जा रहा था जिसे उसने ट्रेन के शौचालय में छुपाया है। ऐसे में जीआरपी ने पंजाब से वापस यूपी जा रही ट्रेन की जांच की तो ट्रेन के बाथरूम की छत से उन्हें 23 किलो गांजा बरामद हुआ। जीआरपी ने पकड़े गए तस्कर को कोर्ट में पेश कर 7 दिन के रिमांड पर ले लिया है। वही जीआरपी के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है और इस गिरोह के तार कहां कहां जुड़े हैं इस बात का पता लगाया जाएगा। नवम्बर 2020 में शहीद एक्सप्रेस से रेलवे स्टेशन अम्बाड़ा कैंट पर विनोद मुखिया नाम का एक व्यक्ति पकड़ा था जिसके पास 20 किलो गांजा था, जिसने पूछताछ पे बताया था भी ये गांजा वो समस्तीपुर से उसका भाई ट्रेन में लैट्रिन में ऊपर कहीं भी फिट कर देता है और वो रास्ते में से उतार लेते हैं और उस आदमी ने कुरुक्षेत्र से ट्रेन में चढ़ के पीछे से उसने फिट कर दिया था उसके भाई ने और उसने कुरुक्षेत्र उतार चढ़ के ट्रेन में रंबाड़ा उतरने लग रहा था, वो पकड़ लिया था तो उसने इसमें अपने भाई का नाम बताया था पप्पू कुमार मुखिया। तो इनकी जो CDR ली गई अक्यूज की जो पहले पकड़ा था तो मोबाइल लोकेशन और CDR के आधार पर इसको मुकदमा में नॉमिनेट कर दिया था, लेकिन ये तब से फरार चल रहा था तो इसकी कॉल लोकेशन के आधार पर 5 तारीख को इसकी लोकेशन दिल्ली से अम्बाड़ा की साइड आई तो उस लोकेशन के आधार पर हमने ये जो समस्तीपुर से गाड़ी आती है शहीद एक्सप्रेस इसको चेक किया, लेकिन ये ट्रेन को छोड़ के यार्ड में छुप गया और हमने फिर 6 बजे इसको जब दोबारा चेकिंग में पकड़ा गया और इसने पूछताछ पे बताया नेक्स्ट डे जब इसको कोर्ट में पेश किया भाई मैं आज भी मेरे पास माल था, मैं समस्तीपुर से ला रहा था और ट्रेन के लैट्रिन में फिट किया हुआ है गांजा, तो इतना टाइम नहीं था भी अमृतसर जाया जा सके तो रेलवे विभाग से पता किया तो उन्होंने बताया भी ये ट्रेन सेम डे 6 को ही 5 को गई थी, 6 को वही रैक वापिस आएगा शाम के 6 बजे तो इसका पुलिस रिमांड लेके कोर्ट में पेश करके रेलवे विभाग से हेल्प लेके तो ट्रेन को अम्बाड़ा कैंट रेलवे स्टेशन पर चेक किया और इसने अपनी निशानदेही पे खुद लैट्रिन की छत से करीब 23 किलो गांजा बरामद कराया जिसका 7 दिन का पुलिस रिमांड लिया हुआ है और ये कहां से लाता था किसको बेचता था ये इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो जो भी इसमें शामिल हो गए उनके खिलाफ जैसे भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।